ये जो जिस घटनाक्रम हुआ है ये बहुत ही, मैं इसकी निंदा भी करती हूँ और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मेरी तरफ से मैं श्रद्धांजलि भी उनको शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। परिवारों को भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि जो भी सरकार की ओर से होगा हम लोग आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। आज बजट के रिप्लाई के दौरान कुछ बड़ी घोषणा नहीं करी, हालांकि कांग्रेस की तरफ से बजट को निराशाजनक बताया गया, एक साधारण सी प्रतिक्रिया। देखिए कांग्रेस को तो जो बोलना है वो बोले, वो विपक्ष है वो तो अपनी बात जो बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो बजट है एक विकसित राजस्थान एट 2047 का बजट है और जो हम लोगों ने इस बजट में नींव रखी है उस राजस्थान की, उस राजस्थान का फाउंडेशन हम लोगों ने इस बजट में रखा है और हर बजट में आप देखेंगे उसी दिशा में हम लोग जाएंगे। एक ऐसा राजस्थान जो सबसे विकसित राज्य हो पूरे देश में, ऐसा राजस्थान हम लोग बनाना चाहते हैं। पूरी टीम भजनलाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा इस बार बजट दिया गया है हर क्षेत्र।